बाबा बागेश्वर, बागेश्वर सरकार, बालाजी भगवान की कृपा, बजरंग बली की कृपा, बागेश्वर धाम को लेकर पिछले 3 दिनों से पूरे देश में चर्चा है। दावे हैं, प्रतिदावे हैं, तर्क है, तर्कों के विरोध में तर्क भी है। अध्यात्म की शक्ति का दावा है तो दूसरी ओर साइंस का हवाला है। महिमा की बात है तो साथ में अंधविश्वास का शक है। कुल मिलाकर इतना कुछ कहा सुना जा चुका है कि एक आम इंसान शायद ही किसी नतीजे पर पहुंच पाए। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष की एक ही कोशिश है कि हर पक्ष को ठीक उसी रूप में आपके सामने रखें जैसा वो है, क्योंकि तब आपके लिए अनुमान लगाना भी आसान होगा और दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा। आज हम धीरेन्द्र शास्त्री के दावे भी सुनाएंगे और उन पर उठ रहे सवाल भी आपको बताएंगे। तो रायपुर में बागेश्वर दरबार में कई लोगों ने की है घर वापसी। मुस्लिम महिला ने सनातन धर्म अपनाने का किया है ऐलान। ओडिशा से आया ईसाई परिवार भी सनातन धर्म में हुआ शामिल। अपनी इच्छा से सनातन धर्म में शामिल हुए लोग, ये धीरेन्द्र शास्त्री का कहना। ये देखिए, आज जो रायपुर में दरबार लगा था बागेश्वर बाबा का, उसी दरबार में देखिए सनातन धर्म अपनाने वाले लोग जो पहुंचे। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं और कुछ ईसाई धर्म के भी लोग हैं। हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है, ये कहा है मुस्लिम महिला ने, जिसने अब सनातन धर्म अपना लिया है। तो सनातन धर्म में शामिल होने के बाद सुल्ताना ने बड़े आत्मविश्वास से पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया, यहां तक कि हनुमान चालीसा भी सुनाई। वहीं संवाददाता विपिन चौबे ने घर वापसी करने वाले ईसाई परिवार से भी बात की है। दिखाते आपको ये रिपोर्ट। मेरा नाम सुल्ताना बेगम है। मुझे हिंदू धर्म के जो नीति नियम है वो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी अंतर जो दिल की आत्मा होती है, इंसान सबसे झूठ बोल सकता है लेकिन अंतर आत्मा अपनी कभी झूठ नहीं बोलती। मेरी अंतर आत्मा बोलती है कि मुझे हिंदू धर्म में ही रहना चाहिए जिंदगी भर मरते दम तक। आप हनुमान चालीसा सुनाने वाले जो की साक्षात बालाजी का जो है उनके ऊपर आशीर्वाद है महाराज जी के। नहीं नहीं, चार पांच महीने से यूट्यूब में आप हनुमान चालीसा सुनाने वाले? हाँ, मैं सुना सकती हूँ हनुमान चालीसा, सुना सकती हूँ पूरे मंत्र सुना सकती हूँ। कृष्ण जी की लीलाएं, जन्म सब कुछ। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, परनव रघुवर विमल जश जोदायुक फलचारी, बुद्धिहीन तनुजारी के सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु वही हरहु कलेश विकार। आपके शब्दों में एक भी उर्दू शब्द नहीं था। नहीं है ना, आप तो पहले मुस्लिम थे ना। हाँ, अचानक सब कुछ बदल गया। भगवान की लीला है, ऊपर वाला मेरे को बुला लिया, सब कुछ बदल दिया। गुरु जी का आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम महाराज के मंच पर आज उड़ीसा से आए एक परिवार को हिंदू धर्म में शामिल किया गया है। इनका ये बीमार बेटा है जिसका इलाज करा रहे थे और बाबा का दिया हुआ भभूत अब खिला रहे हैं। ये उनकी माँ है। ये तमाम लोग, आप लोग किस धर्म में पहले थे? हिंदू धर्म थे। नहीं, पहले हिंदू धर्म थे, फिर बाद में क्या बन गए? क्रिश्चियन बन गए। अच्छा, किसने बनाया आपको क्रिश्चियन? क्रिश्चियन दुख का कारण हम लोग क्रिश्चियन बन गया। अरे, दुख के कारण क्रिश्चियन बन गए थे, बीमारी के कारण में, शैतान के कारण में। तो आपको फायदा नहीं हुआ? फायदा नहीं हुआ क्रिश्चियन बनने से? क्रिश्चियन में फायदा नहीं हुआ तो और फिर वापस आ गया हिंदू धर्म में। अच्छा, तो आज आप लोग अपने बेटे को लेकर आए हैं और यहाँ भभूत खिला रहे हैं उसको, हिंदू धर्म में शामिल होने की खुशी है? खुशी है। किसी ने कहा था आपको कि शामिल हो जाओ या अपने मन से हो रहे हैं? नहीं, मन से हो रहे हैं, अपने मन से। ये बेटा है, देखिए इसको, देखिए भभूत लगाया जा रहा है। बेटे की तबीयत खराब रहती है, पहले हिंदू थे बाद में क्रिश्चियन बन गए और एक बार दोबारा से हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं और उसकी तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। मंच पर बाकायदा पटका पहनाकर इनको शामिल कराया गया और अब यहाँ पर इनको भभूत लगाया जा रहा है। खुश हैं आप लोग? खुश है। किसी तरह का दबाव तो नहीं? नहीं, किसी तरह हम लोग खुश है।